गुड मॉर्निंग बच्चों, 11 क्लास में आप लोग का स्वागत है। मैं कमल सर आप लोग के बीच हिंदी और इंग्लिश को मैं पढ़ाऊंगा 200 नंबर का। आप लोग विशेष रूप से इसको अध्ययन कीजिएगा, इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करना है, इसलिए मैं शुरुआत में आप लोग को सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर समझ में नहीं आएगा, टेंस सर नहीं पढ़ाई ये सब नहीं करना है, मैं टेंस अगले जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो अगले वीडियो में हम टेंस पढ़ाने के लिए आएँ। और टेंस इसलिए नहीं स्टार्ट किए ताकि आप लोग पढ़े हुए हैं अलग टीचरों भी, जिससे आप लोग कुछ समझ में आता हो, इसलिए मैं शुरुआत से सेंटेंस स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे आप लोग का 3 नंबर का क्वेश्चन आप लोग का ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए इसको विशेष रूप से ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से देखना है, कैसे कौन सा सेंटेंस किस वाक्य में जाता है। सेंटेंस मतलब वाक्य, जो विधिवत रूप से आप लोग पढ़े भी होंगे हिंदी में, तो आज हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे हिंदी में, आज हम लोग सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, नया एकदम टॉपिक है। इसको आप 100 नंबर के दृष्टि से बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है आप लोगों को। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है सेंटेंस वाक्य, वाक्य हम विधिवत रूप से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर परिभाषा हमने लिख दिया है, ठीक है, परिभाषा, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। मतलब क्या कह रहा है कि सेंटेंस शब्दों का ऐसा समूह है, सेंटेंस जो है शब्दों का ऐसा समूह है जिससे पूरा पूरा वाक्य समझ में क्या होता है आता है। मान लीजिए कहें कि कलम लाओ, तो ये सेंटेंस हुआ, समझ में आ रहा है कि वह व्यक्ति क्या कहा, कलम लाने के लिए, कलम कलम कलम। ऐसे अगर कोई कहे तो कलम से क्या जानकारी मिलती, कलम कलम, दो वो व्यक्ति सुनने वाला कन्फ्यूजन में रह जाएगा। इसलिए वाक्य जो क्या करता है कि कई शब्दों को जोड़कर एक पूरा कंप्लीट वाक्य देता है। जैसे मैं खाना खाने के लिए जा रहा हूँ, ये भी क्या है, एक सेंटेंस है कि इसमें छोटे छोटे शब्द जुटकर क्या हुए, एक सेंटेंस का निर्माण किए हुए। इसलिए आप लोग उसे यहाँ पर हमने लिख दिया था शब्दों का एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूह जिसमें पूरा पूरा अर्थ समझ में आ जाए उसे सेंटेंस कहते। परिभाषा से ज़्यादा लेन देन नहीं रखना है, परिभाषा आप लोग को ऑब्जेक्टिव में नहीं देगा, लेकिन इसको समझने के लिए हमने इसको लिख दिया, कोई दिक्कत। अब आइए मुझे, वह समय पर पढ़ने आता है, इससे जाहिर सी बात है जो लड़का है वो इस बात से स्पष्ट हो जा रहा है कि वह जो व्यक्ति है वह प्रतिदिन क्या करता है, समय पर पढ़ने आता है, विद्यालय में उपस्थित होता है। देखिए ही कम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ही कम्स टू रीड इन टाइम। इससे आप लोग को क्या समझ में आ रहा है कि मतलब सेंटेंस ऐसा शब्द है कि जो पूर्ण छोटे छोटे शब्दों को जोड़कर क्या करता है, एक वाक्य का निर्माण करता है जिससे अर्थ क्या हो जाता है, हमें पूरा पूरा समझ में आ जाता है। आगे देखिए, अर्थ के दृष्टि से सेंटेंस के 5 भेद होते हैं, अर्थ के दृष्टि से सेंटेंस के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। अब आइए नीचे, पहला लिखे हैं असर्टिव सेंटेंस, विवरणात्मक वाक्य, इसमें 2 होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा का निगेटिव सेंटेंस। आप लोग को ये पढ़ा चुका हूँ, जैसे टेंस में आप लोग पढ़े होंगे तो वहाँ पर आता होगा अफर्मेटिव निगेटिव, ठीक। तो आगे दूसरा देखते हैं, अफर्मेटिव मतलब स्वीकारात्मक वाक्य, दूसरा का निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य, दूसरा का है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये भी आप लोग को टेंस में मिला होगा, प्रश्न वाचक वाक्य मतलब प्रश्नबोधक वाक्य। यहाँ पर होता है प्रश्नबोधक, दूसरा में होता है इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञाबोधक, इसको संस्कृत में हमने पढ़ाया था लोटलाकार में,
ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा बोधक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादि बोधक। अब इन पांचों को हमें पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि आप लोग को सेंटेंस दे देगा, पूछेगा ही कम्स टू रीड इन टाइम, ये कौन से सेंटेंस कौन से वाक्य में आता है। तो ये कौन से सेंटेंस में, यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस में, वो भी कैसा, अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये पढ़ने पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम, यहाँ पर हमने लिखा है पहला के एक, इसको नहीं, पहला के एक, इसमें इसी को पढ़ना है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस इसको समझ में आ रहा होगा, इस सेंटेंस के वाक्य से स्वीकारात्मक मान प्रकट होता है, मतलब अफर्मेटिव मतलब जिसे स्वीकारात्मक मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव नहीं। तो इसमें क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में मतलब जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें मतलब स्वीकारात्मक मान प्रकट, वह पढ़ता है, वह क्या करता है, पढ़ता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ही रीड्स, वो खाता है, वो नाचता है, वो जाता है, वो आता है, मतलब बहुत सारा वाक्य है जो हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, वो पढ़ने जा रहा है, राम खेल रहा है, ये सब भी वाक्य क्या होगा, आप लोग को अफर्मेटिव सेंटेंस में ही आएगा। दूसरा का बच्चों निगेटिव, ज़्यादा इसको डिग्री में नहीं जा रहे क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं, निगेटिव सेंटेंस इस सेंटेंस के वाक्य से नकारात्मक भाव प्रकट करता है, इस वाक्य से क्या होता है, नकारात्मक भाव क्या करता है, प्रकट करता है। देखिए बच्चों, नकारात्मक भाव क्या करता है, प्रकट करता है, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, यहाँ से क्या चीज, उस व्यक्ति का यही जिक्र हो रहा है कि वह नहीं पढ़ रहा है, निगेटिव थिंकिंग आ रहा है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई डू नॉट रीड, आई डू नॉट रीड, मतलब वह नहीं खेलता है, वह नहीं आता है, वह नहीं जाता है, बहुत सारा वाक्य जो जिसमें नहीं लगा रहेगा, नॉट लगा रहेगा, तो उसको आंख बंद करके क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस में लिखेंगे। कोई दिक्कत बच्चों, आइए दूसरा का है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव आप लोग जान रहे होंगे, जिससे प्रश्न को क्या किया जाए, पूछा जाए, प्रश्न को भी पूछा जाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे, इस सेंटेंस के वाक्य से हमेशा प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वह क्या करता है, प्रश्न पूछने का, मतलब किसी से प्रश्न पूछा जाए, उसमें एक बात और चीज, लास्ट में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह एकदम लगा रहेगा, तो जब प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा तो आंख बंद करके क्या कीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चिन्ह लगाइएगा। आइए देखते हैं, और यहाँ पर और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है बच्चों। वह कहाँ से रोज आता है, वह कहाँ से रोज क्या करता है, आता है, तो देखिए कहाँ पर लगा है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है बच्चों। ठीक, तो देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव, देखिए वेयर डज ही कम, अब यहाँ पर कम से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, डज लगा हुआ है, फ्रॉम डेली, ये प्रीपोजिशन में आप लोग को क्लियर होगा कि फ्रॉम क्यों आया। अब आइए अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, हु टीच इंग्लिश, इसमें भी आपका हु टीच इंग्लिश, इसमें आप लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक, यहाँ तक बोलिए, यहाँ पर कोई दिक्कत, सेंटेंस आप लोग को क्लियर कर दिया कि जिससे पूरा पूरा अर्थ क्या करे, समझ में आ जाए, शब्दों का ऐसा समूह जिसमें पूरा पूरा अर्थ क्या आ जाए, समझ में आ जाए, उसे सेंटेंस कहते हैं, वह समय पर पढ़ने जाता है। इसके पांच भेद होते हैं अर्थ के दृष्टि से, अर्थ के दृष्टि से यही पांच जो भेद हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये आप लोग का जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं 11 क्लास में पढ़ रहा हूँ, मेरा व्यू 12 क्लास है, क्योंकि व्याकरण पर्सन आपका बदलता नहीं, मैं भी उस समय आप लोग को यही पढ़ाऊंगा, तो इसलिए आप लोग से
आशा करता हूँ कि इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा मन लगा के, तब जाके मैं 12 क्लास में केवल अच्छे से समझाऊंगा आप लोग को। इसी समय वीडियो में समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं क्लासरूम में जब क्लास खुलेगा आप लोग का ऑफलाइन तो मैं उस समय भी इसको बता दूंगा। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए बच्चों, तब उधर पढ़ते हैं। बच्चों यहाँ का कोई दिक्कत नहीं तो आइए अब हम तीसरा में चलते हैं। दूसरा का तो बुला दिए, अफर्मेटिव निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब तीसरा में आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव आप लोग को हमने पढ़ाया था आज्ञा बोधक में, उस समय लोट लगा दी। इस सेंटेंस के वाक्य से आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, निषेध का बोध होता है। इस वाक्य में क्यों करता छिपा रहता है, हमने लोट लकार में भी बताया था कि इस वाक्य में जो होता है करता क्या होता है छुपा रहता है, जैसे आम खाओ वहाँ जाओ, मतलब इस वाक्य में तो ये आज्ञा का बोध कराता है कि आम खाओ किस पर लागू हो रहा है, तुम पर, इसलिए वहाँ पर तुम छुपा रहता है बच्चों। तो निषेध, निषेध आप लोगों में टीवी में ऐड देखते होंगे कि शराब पीना निषेध है, मतलब ये नकारात्मक नहीं है, इसको हम लोग निगेटिव में सेंस में लेते हैं, लेकिन समझाने के तौर पर शराब पीना निषेध है, मना करते हैं वहाँ पर। देखिए बोध होता है इस वाक्य में यू करता क्या रहता है छिपा रहता है, यू करता जो होता है वो हमारा छिपा रहता है। उसमें भी हमने लोट लकार में आप लोग को बताया था कि इस वाक्य में करता छुपा रहता है तो मध्यम पुरुष एक वचन में हम लोग लिखते हैं। देखिए शीघ्र बाहर जाओ किस पर लागू हो रहा है, जब हम यहाँ पर खड़े हैं और अगला पर्सन हमारे सामने खड़ा है तो उसको हम लोग कहते हैं शीघ्र बाहर जाओ, गो आउट वेरी सून, मतलब जल्दी से तुम क्या करो बाहर चले जाओ, शीघ्र बाहर चले जाओ, जल्दी से एकदम तत्काल, अब मतलब एकदम जल्दी में कोई अब सुनवाई नहीं होगी, धूप में मत खेलो, इस वाक्य में भी करता नहीं है, इस वाक्य में भी करता इसमें नहीं है, धूप में मत खेलो, तो धूप डू नॉट प्ले द सन, मतलब सन मतलब गर्मी, धूप होता है डू नॉट प्ले इन द सन, ये वाक्य कह रहा है कि धूप में मत खेलो। अगला है समय पर दवा खाओ, किस पर लागू कर रहे हैं, वह जो व्यक्ति अगला पर्सन है उसको, टेक मेडिसिन इन टाइम बच्चों। अब आइए तीसरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अब आइए चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये वाक्य जो है जिस वाक्य से इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद, तो देखिए बच्चों यहाँ पर भी प्रार्थना आ गया और यहाँ पर भी प्रार्थना, लेकिन इसमें अंतर क्या है बच्चों हम आगे देखते हैं। आशीर्वाद का बोध हो तो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस वाक्य से बच्चों आपको यही समझना है कि इच्छा, किसी की इच्छा, प्रार्थना, जैसे मैं इसमें होता है, मतलब ये वाला मैं बाहर जाऊँ, इसमें प्रार्थना आशीर्वाद का बोध हो तो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन के चिन्ह लगा रहता है, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह होता है, देखिए बच्चों एक पाई और नीचे दम वाक्य के बराबर नीचे बिंदु रहता है, दम सेम, देखिए आप दीर्घायु हो, देखिए नीचे लगा हुआ है बिंदु एकदम सेम लगा रहता है, यहाँ पर ऐसे करके एकदम वाक्य के बराबर। अब आइए मे यू लीव लॉन्ग, लास्ट वाक्य में भी एक्सक्लेमेटर का चिन्ह लगा हुआ, आप प्रसन्न हो गए इसमें भी लगा हुआ, तो मे यू बी हैप्पी, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, इसको आप लोग बनाइएगा बच्चों, इसमें भी एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा हुआ। तो देखिए बच्चों इसमें एक्सक्लेमेशन
आप दीर्घायु हुए ये आशीर्वाद दे रहा है, आप प्रसन्न हुए ये भी आशीर्वाद दे रहा है, ईश्वर आपकी यात्रा सफल कर रहा है, ये प्रार्थना आगे मतलब अपना प्रार्थना उसको जाहिर कर रहा है। इसको आप लोग घर पर बनाइए, बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं। तो बच्चों इसको मैं समझा दिया। एक और वचन जो इस्लामी सेंटेंस है, विस्मय आदि बोधक, तो आप लोग को आशा करता हूँ बच्चों कि आप लोग को समझा दिया, जो जो समझ में आया होगा। इसका वीडियो मैं अगला बार लोड करूँगा। थैंक यू। Thank you.